అమ్ముకు డుమ్ముకు రమ్మాలి డుమ్మాలి. तो दोस्तों नमस्कार और हैप्पी रक्षाबंधन. हाँ, राखी जाकर बहुत दिन हो चुका है, फिर भी अगर आप वीडियो को क्लिक किया है तो पूरा देखना ही पड़ेगा आपको. ट्रेलर से तो आपको पता चल ही गया होगा कि वीडियो कितनी ज़्यादा एंटरटेनिंग होने वाला है. और मैं अगर वीडियो के बारे में कुछ बताऊँ तो वीडियो में कुछ है तो वो है मस्ती, और ज़्यादा मस्ती, और बहुत ज़्यादा मस्ती, और कुछ इमोशंस. तो बेसिकली आज की हमारी जो कहानी होगी वो होगी मेरी और राखी की. राखी बोले तो मतलब कोई लड़की नहीं, राखी मतलब राखी, राखी. तो आगे बढ़े, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता देना चाहेंगे कि ये वीडियो पार्ट टू है. अगर आपको इस वीडियो की पूरी मजा उठाना है तो पहले आपको पार्ट वन देखना पड़ेगा. वो जो कहते हैं ना फील, वो आएगा. और हाँ, उस वीडियो में हम बहुत ज्यादा भर भर के जबरदस्ती बहुत सारे इन्फॉर्मेशन डाले हैं. लिंक को हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. अब जाइए, पहले देखें फिर यहाँ पे आइए. तो नहीं, वैसे कुछ हमने कानून नहीं बनाया है. अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं यहाँ से तो वो आपकी मर्जी, हम कुछ नहीं. बात मान लीजिए ना, पहले जाइए ना, उसे देख लीजिए, फील आएगा यार. तो पूरा दिन बारिश की वीडियो शूट के बाद रात में होती है सबकी पेट पूजा. ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी. ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली, करे जो छक जोरी क्यों ना. तो पेट पूजा के कार्यक्रम खत्म होने के बाद रात में होता है हमारे साथ एक हॉरर इंसिडेंट. तो इसकी कहानी यह है, जब रात में पेट पूजा के कार्यक्रम खत्म होता है और सोने की कार्यक्रम शुरू करने के लिए हम जब सोचते हैं तो पता चलता है कि घर में है जगह बहुत कम, क्योंकि घर है हमारी बहुत छोटी सी और कुछ गेस्ट भी आ रखे थे. इसीलिए सोचा क्यों ना पड़ोसी के घर में जाके सो लिया जाए. और यहीं से शुरू होता है इस कहानी की सबसे बड़ी ट्विस्ट. पड़ोसी के घर में कोई रहता नहीं, वो रहते हैं बाहर कहीं, इसलिए उनके घर में पड़ी है ताला. लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं, चाबी है हमारे पास, इसलिए हम चले जाते हैं उनके वहां सोने के लिए विदाउट द परमिशन ऑफ ओनर. अब आपको लग रहा होगा कि अरे बिना किसी के परमिशन में कैसे किसके घर में घुस सकते हैं. अरे नहीं 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 नहीं, आपको क्लैरिटी देते हुए हम बता दे रहे हैं कि इसके पीछे एक और बहुत बड़ी लंबी कहानी है. तो इसके बारे में हम आपको और कभी बता देंगे टाइम देख के, क्या बोलते हैं. तो वापस आए स्टोरी में. जब मैं ताला खोलता हूँ और उस घर में एंटर करता हूँ तो मुझे उस घर में कोई होने की एहसास होती है, लेकिन मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और अपने घर चले आता हूँ सोने के लिए. और वहाँ पे सिर्फ मम्मी, मौसी और दो बच्चे, ये लोग ही सोए. और जब मैं हमारे घर सो रहा था, नहीं शायद मूवी देख रहा था, तो अचानक से मौसी जी की कॉल आती है. कॉल आती है और तुम लोग जहाँ भी हो जैसे भी हो जल्दी आ जाओ यहाँ पे, ऐसे कहते हैं वो. फिर मैं और मेरा कजन दौड़ के जाते हैं वहां पे. तो हमें पता चलता है कि वहां उनके साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुई, जैसे कि वहां पे किसी की होना, किसी की आवाज सुने देना, ऐसा कुछ होने महसूस हुआ. तो हम सब वहां से चले आते हैं हमारे घर. फिर मेरे साथ जो होता है, ये हॉरर सेटअप बंद करो यार, ये हॉरर कहानी उतनी ही थी. अरे नहीं, हॉरर वाली कहानी उतनी ही थी. अब जब मैं घर आता हूँ और घर में हम सोते हैं तो आपको वो रेलगाड़ी वाली कीड़ा तो पता ही होगा, जिसे छूने के बाद वो जो राउंड गोल हो जाता है. हाँ ठीक वैसे ही मुझे रात में सोना पड़ा.
और रात में ज्यादा से ज्यादा तो मैं 1 या 2 घंटा ही सोया होऊंगा, उससे ज्यादा नहीं। अब सुबह होने से पहले ही शुरू हो जाती है राखी के कार्यक्रम, बाकी आप देखो। सूरज की किरण आने दे मेरे मिस, अब चल जाने दे जो भी बीत। आगे जल्दी जल्दी आरी 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 अब तो आ रही बारात, अब ये आए नाचे गाए देखो राज है मल्हार। इतनी माटा ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी कर ले मुख। जैसे ही घर में राखी खत्म होती है तो राखी को और भी सुंदर और मनोहर और राखी के मजाक को इंटू 10 करने के लिए हम निकलते हैं एक लंबा सफर यानी लॉन्ग जर्नी पे। और जैसे मैं ट्रेन में चढ़ता हूँ मुझे बहुत जोर से वो सुसु सुसु लगता है। अरे हंसो मत, सबको लगता है। तो ऐसे कोई बात नहीं कि ट्रेन में वॉशरूम नहीं था, नहीं ट्रेन में वॉशरूम था, लेकिन उसकी हालत जो था मैंने शूट भी किया है लेकिन आपको दिखा नहीं सकता। और हाँ सॉरी अगर आप खाना खा रहे हो और मैं आपको कुछ गलत चीज़ों की याद दिला दी है तो सॉरी। हाँ यार पसीना बहुत आ रहा है, वो फैन ऑफ कर दिया है ना, वो साउंड रिकॉर्ड हो जाता है फोन में इसलिए। After is there again started कार्यक्रम ऑफ राखी। सूरज की किरण आने दे मेरे मिस, अब चल जाने दे जो भी बीत। ओ जगे ताने पे ताने दे उनकी सुने ना। यहाँ से हमने प्लान किया था कि आज सुबह जाएंगे कल शाम को वापस आ जाएंगे, लेकिन वहाँ पे रहते रहते पूरा 5 दिन बीत गया और कुछ पता ही नहीं चला। अब ऐसा नहीं कि 5 दिन तक वहाँ रहे और बाहर कहीं घूमने गए, नहीं घर में ही थे क्योंकि बाहर बारिश हो रहा था। तो बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। मिशन बटर पनीर है उस काम का नाम। बाबू भैया क्या बना रहे हैं? बटर पनीर। कहाँ से सीखा? यूट्यूब से। हेलो या बाबू भैया, खाना रेडी हो गया? हाँ हो गया। कैसा है टेस्ट? बताए। अब फाइनली बहुत सारे रिएक्शन के बाद हमारा रेडी था हमारा फाइनल प्रोडक्ट, जिसमें हमने डाला था काफी सारे मसाले, मसालों से ज्यादा हमारा मेहनत और ढेर सारे बटर, लेकिन बटर से ज्यादा हमारा प्यार एकदम भर भर के। यार इस वीडियो को बहुत जल्दी खत्म करना है, पसीना बहुत आ रहा है, गर्मी की मतलब गर्मी तो पूछो ही मत। इधर ऊपर से फैन भी बंद है, पंखा बंद करना पड़ता है वरना वो आवाज भी रिकॉर्ड हो जाता है। ऐसे में तो वीडियो की क्वालिटी आपको पता है, आप देख रहे हो, अगर वो आवाज भी रिकॉर्ड हुई ना तो आप मोबाइल के अंदर से हाथ घुसाओगे और मुझे ठप ठप ठप। और सारी उम्र ना गवा दे मैं तवा, क्यों सोचे बादल भरे हैं सत्तगो क्योंकि बारिश तो आनी है ना सत्तगो। कौन लो जी? ले लो, खा दे, खा दे, खा दे, खा दे, खा दे।
बांध के जा। बांध के जा निकालेंगे।